गाइस देखिए, हस्बैंड जी बाइक की स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं ये पहुँच के बताएंगे। ये देखिए हर्षित कितने एक्साइटेड है घूमने के लिए, वाह। और दृष्टि अपना पर्स दिखा रही है पिंक कलर का, जिनको छोटी मामी ने इनको गिफ्ट किया था। ये अपने पर्स से बहुत खुश हैं। ये देखिए हम लोग पैंटालून में आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सजा था बैलून से कि हम आपसे क्या ही बताएं। हम लोग गोरखपुर में थे तो इसलिए घूमने आ गए पीवीआर में। पीवीआर में मूवी लगी है गदर, इतना काफ़ी भीड़ था गाइस कि क्या बताएं। टिकट ही नहीं मिला हमको, हम लोग मूवी भी नहीं देख पाए। तो हम लोग कहे चलो मूवी नहीं देखते तो अंदर से जाके ही देख लेते हैं। तो फिर हम लोग अंदर चले गए, फिर रोड पे खड़े होके आगे से सेल्फी करके थोड़ा सा वीडियोस बना लिए क्योंकि मेरा फेस नहीं आ रहा था। तो देखिए हम लोग आगे से सेल्फी करके हस्बैंड और हम बना रहे थे कि आगे से दिखाई देना चाहिए कि कैसा लग रहा है सजा हुआ मॉल। ये देखिए हम लोग मॉल के अंदर आ गए और ये देखिए तीन कलर के बैलूनों से सजा हुआ था, ऑरेंज, वाइट और ब्लू ग्रीन, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो, हस्बैंड जी वीडियो बना रहे थे, हम बाबू और दृष्टि खड़े हुए थे। देखिए मैंने फ्लैग पकड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग अब अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। ये देखिए अंदर का भी बहुत ही अच्छा सजाया हुआ गया था, इसका डेकोरेशन हमको बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कितना खूबसूरत अंदर का डेकोरेशन हुआ है। आगे आगे दृष्टि के डैडी चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके दोनों बच्चे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे से इन लोग का वीडियो सुना रही थी कि क्या हम कहे कि आप लोग को दिखा दिया जाए। और देखिए गाइस कितना खूबसूरत तिरंगा बना हुआ है। ये देखिए जो तिरंगे के बीच में चक्र लगता है, वो चक्र का डेकोरेशन देखिए कितना। सब लोग यहाँ पे खड़े होकर कोई वीडियो बना रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो हम लोग पीछे की ओर, हम लोगों ने भी बहुत सारा वीडियो बनाया और सेल्फी लिया। और ये देखिए अब ये देखिए सीढ़ियों पे भी तीन कलर का डेकोरेशन हुआ था। अब हम लोग गाइस अब हम लोग आ गए सिटी मॉल, ये है गोरखपुर में सिटी मॉल। किसी से भी पूछेंगे मुझे सिटी मॉल जाना है तो आपको ले आएंगे। और सिटी मॉल बहुत ही, अब हम लोग सिटी मॉल में एंट्री करने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है गाइस सिटी मॉल। तो अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, गाड़ी खड़ा कर दिया गया है और हम लोग जा रहे हैं। देखिए बाहर का इस सिटी मॉल का बाहर का हम आपको दिखा रहे हैं। KFC भी है इसमें, पिज़्ज़ा हट भी है, बहुत सारे झूले भी बाहर भी हैं, अंदर भी गाड़ी वाड़ी है, बच्चों को भी मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। इसमें हॉल भी है जिसमें मूवी भी लोग देख सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी अच्छे अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ ही अच्छा है यहाँ का। देखिए मैं हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए बाहर झूला हुआ है, हर्षित देख के झूला एकदम एक्साइटेड है। मैंने बोला चलो हम लोग अंदर से आते हैं फिर हम लोग झूला झूलते हैं। अब हम लोग एंट्री कर लिए हैं अंदर, अंदर का व्यू देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए सब बैलून से सजा हुआ है, मतलब आज हर मॉल बैलून से सजे हुए हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। देखिए बच्चों को गाड़ी के लिए भी है कि 50 रुपये में एक राउंड, मतलब गाड़ी का एक दो राउंड दे रहा था 50 रुपये में। तो हर्षित को तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए वाइट भी गाड़ी था इसमें, ब्लू भी था, हर्षित को रेड चाहिए था, रेड खाली नहीं था, अभी बच्चे इस पर बैठे हुए थे। हम कहे बाहर वाले झूले पे बैठ जाना, बाहर वाला झूला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए शॉपिंग सेक्शन में आ गए थे, शॉपिंग सेक्शन में आने के बाद हम लोग देख रहे थे वीडियोज़ बना रहे थे, तो वहाँ पर बोला गया कि वीडियो मत बनाइए, तो हम लोग को वीडियो रोकना पड़ा। फिर हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस कि क्या बताएं आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, मैंने यहाँ पे काफ़ी सेल्फी ली, काफ़ी शॉर्ट्स बनाए और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर सजा हुआ था, मतलब बहुत ही। आप लोग अगर गोरखपुर में आए कभी तो आप लोग सिटी मॉल ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और रेंज के हिसाब से भी सामान मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो आपके ऊपर है, सस्ता महंगा दोनों मिलता है, जो भी आप लोग लेना चाहें। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत घर की सामान खरीदे, यूज डेली यूज वाली चीज़ जो होता, कुछ बच्चों के लिए बिस्किट नमकीन या फिर कुछ, बस यही मतलब खाने पीने के बच्चों के लिए ही जो लेना था हम लोगों ने ले लिया। और ये देखिए यहाँ पर मैं बैठी थी, जो येलो कलर का सोफ़ा था
ये कपल्स दो बैठे थे, हम लोग भी उन्हीं के पास ही जाके बैठ गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग को मिल नहीं रही थी। देखिए हम लोग बैठ गए हैं और वो लोग भी बगल में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी एक छोटा सा बेबी था जो कि बहुत ही क्यूट था, और मैं बना रही थी वीडियो तो वो मुझे देख रही थी कि मैं कितना वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी बेटी ने बताया, मम्मी आप वीडियो बना रही हैं तो वो आपको देख रही हैं। हम बोले बेटा जाने दो। और बताए गाइस, तो देखिए सब लोग के वही फ़ोन पे लगे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई खा रहे हैं, किसी ने ऑर्डर करने गया है तो हम लोग ने भी अपना ऑर्डर दे दिया है। देखिए तब तक मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। देखिए इसका लाइट लैंप कितना प्यारा लग रहा था यहाँ पे, बहुत इसका बहुत अच्छा, मतलब इसका जो ये रेस्टोरेंट है वहाँ आपको आपको नॉन वेज वेज नॉन वेज हर तरीके का चीज़ मिल जाता है, मतलब जो चीज़ आप खाना चाहें आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है, तो देखिए ऑर्डर करके हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग का ऑर्डर आया नहीं है, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ऑर्डर लेने जाना पड़ता है। तो अभी वो लोग हस्बैंड जी गए जाएंगे और लेकर आएंगे। तब देखिए हर्षित को नींद आ रही थी गाइस, देखिए उस दोनों को नींद आ रही थी, लेकिन हम पिज़्ज़ा का नाम लेके उन सबको जगाए थे क्योंकि उन लोग को सुबह जल्दी उठ गए थे और रात में लेट से सोए थे। तो ये देखिए दृष्टि और उनके डैडी कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं। ये देखिए यम्मी सा कॉर्न पिज़्ज़ा आया है, कॉर्न पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कॉर्न पिज़्ज़ा आया है और साथ में कोल्ड ड्रिंक आया था। और देखिए हर्षित को मैंने जगाया कि कोल्ड ड्रिंक आ गया है, पिज़्ज़ा आ गया है, तो हर्षित तुरंत ही उठ गए यम्मी यम्मी सब पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने यम्मी यम्मी सब पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया और दृष्टि तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पे टूट पड़ी और हर्षित पिज़्ज़ा पे कोल्ड ड्रिंक पे। तो ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है ना गाइस, आपके मुँह में पानी आ गया कि नहीं पिज़्ज़ा देख के। ये देखिए पति देव को देखिए आप लोगों ने, तो देख लीजिए। मैंने कहा हम लोग को खाना है तो जल्दी से वीडियो बना लेते हैं फिर मोबाइल साइड में रख के तब खाते हैं। देखिए खा पी के हम लोग चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग खाने के बाद बहुत ज़्यादा ये बोले कि चलो नौका विहार घूम लो, हम बोले नहीं कहीं नहीं जाएंगे, घर चलिए, क्योंकि मैं बहुत थकान लग रही थी क्योंकि रात में पार्टी था, पार्टी से मैं बहुत लेट से आई थी, आराम नहीं कर पाई इसीलिए मुझे घर जाना है। तो देखिए मैंने सीढ़ी पर उतरना शुरू कर दिया, ये देखिए मैंने सीढ़ी पे भी ब्लॉग बना लिया है क्योंकि कैमरा वहीं से ऑन था तो हम कह लाओ अब आपको पूरा ही दिखा देते हैं। अभी तो आपने लोगों ने एक सीढ़ी का देखा है, अभी हम आपको दूसरा, क्योंकि ये भी फ्लोर देख लीजिए, ये भी फ्लोर बहुत अच्छा से सजा हुआ था बैलून से। आप लोग गोरखपुर में होंगे तो आप लोग जान ही रहे होंगे, नहीं होंगे तो आके जान जाइएगा। मौसम जानते हैं, बाहर बारिश भी हो रही थी, हम लोग अंदर थे जब हम लोग गाड़ी खड़ा कर रहे थे तो हल्का हल्का बारिश होने लगा था, फिर बारिश बंद हुआ। बाहर जब हम लोग निकलने वाले थे मतलब तो लोग बता रहे बाहर से हम लोग देखे ऊपर से तो बारिश बंद हो गई थी। उसके बाद हम लोग अब दूसरी सीढ़ी की तरफ जा रहे थे, तो ये लीजिए हम लोग दूसरी सीढ़ी पे भी आ गए। मैंने कहा आपको वीडियो दिखा रही तो पूरा ही दिखा दे रही हूँ। देखिए अब हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, अब हर्षित का डिमांड चालू हो गया है कि आपने बोला था कि नीचे आऊँगी तो घुमाऊँगी, तो मैं अब नीचे आ गया हूँ तो मुझे आप लोग बैठाइए। इनका रेड वाला गाड़ी आज भी खाली नहीं था, कोई ना कोई इस पर बैठा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम लोग बाहर वाले झूले पे आपको बैठाएंगे, वहाँ पे चलिए जिसको जो झूला झूलना है उसमें झूल सकता है। फिर हम लोग आ गए गाइस बाहर, और गाइस मेरा कुछ दिन से तबीयत भी नहीं ठीक था और मूड भी नहीं सही था, आप लोग मेरे पास पहले ब्लॉग में देखे होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए भी आए थे कि बच्चों के साथ थोड़ा सा बाहर जाएंगे, टाइम बिताएंगे तो थोड़ा मेरा मूड भी सही होगा।
तो ये देखिए झूला डिसीजन हो रहा है कौन सा झूला कौन झूलेगा। ये जो है येलो वाला ये दृष्टि झूलना चाह रही है, देखिए मेरे पीछे है। और हर्षी जो झूला झूलना चाहते हैं उन्हीं का बात हो रहा है। ये जो है सर्कल बना हुआ है उस पर गाड़ी चलेगी, उस पर हर्षी झूलेंगे। उनके पापा झूले वाले से बात कर रहे थे। तो एक झूले कोई भी झूला झूलिए आपको 50 रुपया देना था, दोनों का सेम ही प्राइस था। तो देखिए इस पे हर्षित बैठ गए हैं। हर्षित के चेहरे की मुस्कान देख लीजिए कितने खुश हैं वो झूले पे बैठ के। और इस झूले पे वानी बैठ गई, देखिए लिटली छोटा सा डर इसके फेस पे दिख रहा है। देखिए हम देख रहे थे पर हम इसको चेयरअप करने के लिए बोले हाय हाय हाय, फिर हम बोले कि हाय नहीं करो, तुम अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ बेटा वरना गिर जाओगी। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, झूला झूला और बैलून से तिरंगा सजा हुआ था, वहाँ गए सेल्फी लिए। ये सब ब्लॉग आपके लिए बनाए हैं कि आप लोग को पसंद आए। तो प्लीज़ गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मुझे मौका दीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा चीज़ हम आप लोग को दिखा सकें, आप लोग को खुश कर सके। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फुल मेरा सपोर्ट कीजिए गाइस। मैं बहुत कोशिश करूँगी, जो आपको अच्छा ना लगे तो आप बता दीजिएगा गाइस, मैं वैसा कुछ नहीं करूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।